तो हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटर में। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई यूपी ट्रिपल सी वीडियो री एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, स्वस्थ हो गए। तो जैसा कि थंबनेल देख रहे होगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी वीडियो री एग्जाम का पेपर कब तक हो सकता है। बहुत सारे हमारे साथी पूछ रहे थे लगभग किस महीने तक इसका पेपर हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे हो, काफ़ी समय हो चुका है यूपी ट्रिपल सी वीडियो की भर्ती को आए हुए। लगभग 2018 में भर्ती आई थी, इसका पेपर भी हुआ था 22-23 दिसंबर 2018 में ही। मगर उसके बाद इसकी कोई भी प्रक्रिया, धांधली के स्तर, धांधली होने के बाद इसकी कोई भी प्रक्रिया अभी तक नहीं चल पा रही है, ना भी इसका पेपर कराया पा रहा है आयोग, ठीक है। क्योंकि आपको बता दूं, एक नंबर बहुत ज़्यादा नंबर है, लगभग 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था इसमें, और 9 लाख 10 हज़ार बच्चों ने 2018 में ही पेपर दिया था, ठीक है। हालांकि अब ये कंपटीशन का स्तर थोड़ा कम रहने वाला है इस बार, क्योंकि जब 9 लाख बच्चे तब बैठे थे, तो अब तो 2023 में इसका पेपर होगा जाकर, तो कंपटीशन का स्तर तो आप भी समझ सकते हो तो 100% कम रहने वाला है। मगर ऐसा कोई जो अभी तक जो आयोग है जो नोटिस वगैरह अभी तक जारी नहीं किया है, मगर आपको बता दूंगा बहुत ही जल्द, जैसा कि मुझे पता चला है यूपी ट्रिपल सी के मेंबर के द्वारा, वो कह रहे थे लगभग जनवरी में आपका जो कैलेंडर वगैरह यूपी ट्रिपल सी आयोग जारी करने वाला है उसमें आपको इसकी डेट, ठीक है। मगर आपको बता दूं, इसका जो पेपर की प्लानिंग वगैरह की जा रही है लगभग मार्च महीने में की जा रही है, इसका पेपर पूरी तरीका से कराने की, ठीक है। तो ऐसा मुझे पता है चला है कि जो जो यूपी ट्रिपल सी वीडियो की जो प्लानिंग चल रही है वो मार्च महीने की चल रही है, कि लगभग इसका जो मार्च महीने में पेपर करा लिया जाएगा, ठीक है। आपको बता दूं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो लगभग 1-2 तारीख तक देखो, जनवरी में आपको 100% का कैलेंडर वगैरह जारी हो जाएगा, जिसमें डेट वगैरह होगी, क्योंकि बहुत सारी जो अपकमिंग वैकेंसी होंगी उनके बारे में भी डिटेल होगा और इसके बारे में भी डिटेल होगा, ठीक है। तो साथियों, ज़्यादा टेंशन मत लो, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलने वाली है और आपकी परीक्षा लगभग निश्चित ही है कि लगभग मार्च महीने में होने वाली है। तो उस हिसाब से पढ़ाई करते रहो, ये मत सोचो कि सिलेक्शन जो है कि अभी तक पेपर नहीं होगा, 2023 में भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप भूल कर रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा सोचोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हालांकि जिसमें ज़्यादा पद भी नहीं, 1953 पद है, 4 से 5 लाख बच्चा बैठेगा, फिर भी थोड़ा सीरियसली बच्चा बैठेगा, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन का स्तर ज़्यादा रहने वाला है, फिर भी कम नहीं रहेगा। बहुत सारे कह रहे होंगे मतलब कंपटीशन का स्तर बहुत कम रहने वाला है, मगर इतना भी कम नहीं रहने वाला। जैसा कि मैं बता रहा हूं, लगभग 4 से 5 लाख बच्चे बैठेंगे, तो 1953 ही तो पद हैं, तो उसमें ये सारी चीजें, इतना कंपटीशन का स्तर कम नहीं रहने वाला है। मगर हालांकि अगर तुम अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहोगे, क्योंकि जो आपका जो मैथ वगैरह आने वाला नहीं है, बहुत सारे साथी होते हैं जो मैथ वगैरह से डरते हैं, तो इसमें मैथ वगैरह आने वाला नहीं है। आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि हिंदी से 50, रीजनिंग से 50, जीएस से, लगभग 300 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करते रहो जिससे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ये मत सोचो कि पेपर नहीं होगा, ये बहुत सारे साथी कह रहे होंगे पेपर अभी नहीं होने वाला, 2023 में भी नहीं होने वाला है। हालांकि आपको बता दूं, अगर कोरोना वगैरह कुछ भी आ जाता है तो हालांकि थोड़ी परीक्षा आपकी स्थगित हो सकती है, मगर अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहो, क्योंकि ये भी सारी चीज़ें अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियली नोटिस वगैरह भी जारी नहीं हो रहा है कि लॉकडाउन वगैरह की स्थिति बढ़ रही है, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करते रहो, लगभग आपका पेपर मार्च महीने में पूरी तरीके से प्लानिंग की जा रही है कि आपका पेपर मार्च महीने में हो जाएगा। उस हिसाब से जैसे बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि अभी पेपर नहीं होगा, मगर आपको बता दूं आपका पेपर लगभग मार्च महीने में होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, आप भी समझ रहे हो, लगभग यानी कि जनवरी और फरवरी है और मार्च महीने में तो आपका पेपर होने वाला ही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में रखते हैं, वीडियो आपको पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे हमारे साथी पूछ रहे थे इसका पेपर कब होने वाला है, ठीक है। लगभग आपका पेपर मार्च महीने में प्लान किया जा रहा है और आपका पेपर लगभग मार्च महीने में हो भी जाएगा, ठीक है। तो कोई भी, क्योंकि कोई भी वैकेंसी बची नहीं, आप देख रहे होगे पैट का रिजल्ट आने वाला है, जो लेखपाल का रिजल्ट जो फरवरी के लास्ट तक देखने को मिल ही जाएगा आपको। तो उसके बाद खिस सिर्फ यूपी ट्रिपल सी वीडियो की भर्ती बचती है इसके बाद, क्योंकि इसी का पेपर होने वाला है बहुत सारी, और अपकमिंग वैकेंसी आएंगी इसके बाद जाएंगी, उनका पेपर बाद में होगा, क्योंकि आयोग भी चाह रहा है कहीं ना कहीं इसका पेपर करा लिया जाए पहले, ठीक है। तो निश्चिंत रहो, आपका पेपर बहुत जल्द मार्च में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो हम रखते हैं, धन्यवाद।